कोई नौकरियां नहीं निकाली। देखिए आर्मी की नौकरी, आर्मी के जवानों की वो बेइज्जती की है जो हम बता नहीं सकते हैं। बीजेपी शासन में बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, हमारे नौजवान साथी सड़क पे आए, चाहे वो गठबंधन किसी का टूटे या कुछ भी रहे, बीजेपी हारेगी, हर हाल में हारेगी। चले गए, ये कुछ दिनों बाद फिर इंडिया में भी आएंगे, ये कोशिश करेंगे इंडिया में आने की। इनको जो लाइन तेज चलती नजर आ जाती है तुरंत भाग लेते हैं, जब दूसरी लाइन आती है वो किसी लाइन के नहीं रहते, ना इस लाइन के रहेंगे ना उस लाइन के रहेंगे, ये इस टाइप के नेता। और लगातार बूथ बूथ पर हम लोग जाने का काम कर रहे हैं और पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, मैं बिल्कुल 100% तरीके से कह सकता हूं कि इस देश में पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है, वरना कोई दूसरी ताकत हराने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी। तो आज हम मौजूद हैं लखनऊ में समाजवादी कार्यालय पर। तो आज हम बात करेंगे यूथ से कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो उनसे बात करते हैं आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में और जानते हैं कि इंडिया के एनडीए पर इस बार भारी पड़ सकता है। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। 2024 को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ हैं और अब इंडिया गठबंधन भी काफ़ी बिखरता थोड़ा दिख रहा है हमें, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे शुरुआत हुई थी ममता बनर्जी से, उसके बाद नीतीश कुमार और अब आरएलडी के भी नेता ने छोड़ दिया है इंडिया गठबंधन, तो क्या लगता है आपको इस पर? इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और किसी के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात जयंत चौधरी जी की, तो जयंत चौधरी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, आने वाले समय में उनको समझना चाहिए, वो समझेंगे। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आज पीडीए के माध्यम से हम जन चौपाल कर रहे हैं और लगातार बूथ बूथ पर हम लोग जाने का काम कर रहे हैं और पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, मैं बिल्कुल 100% तरीके से कह सकता हूँ कि इस देश में पीडीए ही एनडीए को हरा सकता है, वरना कोई दूसरी ताकत हराने वाली नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके छोड़ने से, लेकिन ये सभी काफी बड़ी पार्टियां थी, तो कुछ तो फर्क पड़ सकता है। क्या लगता है आपको कि क्या नुकसान होगा? कहीं ना कहीं जो लोग टूट के जा रहे हैं तो उनके मन में किसी को तो ईडी का डर सताया जा रहा है, किसी को सीबीआई, ये सब चीजें आगे पीछे लगाई जा रही हैं। आज जिस तरीके से पूरे देश में परसेप्शन बन रहा है, आने वाले समय में अगर यही रहा तो इस देश की राजनीति को दूसरे स्तर से देखा जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, सरकार डरा कर अपनी तरफ पार्टियों को खींच रही है? बिल्कुल बिल्कुल यही है ही। आप किसी से भी पूछिए, सरकार इतनी कमज़ोर हो चुकी है, यहाँ तक कि जो दो दो तीन तीन जिलों तक की पार्टियाँ सीमित हैं, जहाँ जिन पार्टियों को उन तक तो गठबंधन करने जा रही है, आने वाले समय में वो जान रहे हैं कि हमें किस तरीके से चलना है। आने वाले समय में हमें दो दो सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से घबराए हुए हैं, ये पीडीए से घबराए हुए हैं जी। तो जैसे कि आपने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे काफी फायदा तो एनडीए को भी हो सकता है। एनडीए को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो रणनीति है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा क्षेत्रों में जो टिकट वितरण किया है वो एक काबिले तारीफ है, और आने वाले समय में इसी तरीके से पीडीए के लोगों को टिकटों का वितरण किया जाएगा और पीडीए एनडीए को हराने के लिए 100% तैयार है। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, आपने ये कहा, भी इनसे पूछा कि इंडिया बिखर रहा है। देखिए, एनडीए को हराने में यूपी की 80 सीटों से ही रास्ता निकलता है, और इंडिया का मुख्य धुरा जो है वो समाजवादी पार्टी है जी। और समाजवादी पार्टी जो 80 सीटों पे नतीजे लाने जा रही है, वो शायद सभी पूरे देश को चंबित करेंगे। हम लोग इतनी सीटें लाएंगे कि सरकार में महती भूमिका हम लोगों की होगी, और ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, आपको क्या लगता है इस पर? बीजेपी शासन में बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, हमारे नौजवान साथी सड़क पे आए, चाहे वो गठबंधन किसी का टूटे या कुछ भी रहे, बीजेपी हारेगी, हर हाल में हारेगी। और इस बार लेकिन राम मंदिर बनाकर इन्हें एक अच्छा मुद्दा मिल गया है कि इस बार 24 में क्या राम मंदिर आपको लगता है कि जीत दिला सकता है?
देखिए राम मंदिर मुद्दा जो बना हुआ है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नौजवानों के लिए क्या किया है, नौजवान बेरोजगार हैं, सड़कों पे आए। लेकिन ये तो काफी दावे करते हैं कि हमने कई नौकरियां निकाली थी। कोई नौकरियां नहीं निकाली। देखिए आर्मी की नौकरी, आर्मी के जवानों की वो बेइज्जती की है जो हम बता नहीं सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, देखिए अभी आपने इनसे पूछा था कि इंडिया को लोग छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के कौन गया, जो अति महत्वाकांक्षी हैं। कभी समाज के लिए जो लोग सोचते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, वो अति महत्वाकांक्षी नहीं हो। तुम्हारे नीतीश कुमार जी, एक लाइन आपको पता है, एक लाइन लगी होती है, जब दो लोग लाइन लगे होते हैं आपको ये लाइन जल्दी चल रही है तो लाइन बदल के आ जाते हैं, वो पता चलता है वो लाइन चलने लगी है। तो नीतीश कुमार वो नेता है। तो उनको क्या लगता है इंडिया आगे चल रही है लाइन में, जो उन्होंने पाली पलट के वो उधर चले गए? कुछ दिनों बाद फिर इंडिया में भी आएंगे, ये कोशिश करेंगे इंडिया में आने की। इनको जो लाइन तेज चलती नजर आ जाती है तुरंत भाग लेते हैं, जब दूसरी लाइन आती है वो किसी लाइन के नहीं रहते, ना इस लाइन के रहेंगे ना उस लाइन के रहेंगे। ये इस टाइप के नेता हैं। और नीतीश कुमार ने अपना नैतिक पतन कर लिया है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मटेरियल को उन्होंने मुख्यमंत्री मटेरियल तक सीमित कर दिया है और वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। पहले तो वो उम्मीदवार बनने के दावे करते थे कि हमें पीएम का उम्मीदवार बनना है, तो उस पर अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री। जब आप फल की इच्छा किए बिना काम करते हैं तो आने वाले भगवान भी आपको उसका प्रसाद देते हैं। आपके पहले से ही अपना चाहते हैं हमें प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए, तो ये तो इसमें इंडिया में नहीं होना था। हमारे इंडिया में सब एक से बढ़ के एक नेता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे दावेदार हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा अगर पार्टी चाहेगी, इंडिया गठबंधन चाहेगा, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और वहीं बात करें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की, तो देखा जाए तो राहुल गांधी भी न्याय यात्रा में, लेकिन कई ऐसे बवाल छिड़ते जा रहे हैं, तो उस पर आपको क्या लगता है कि क्या इनकी न्याय यात्रा सही से गुजर रही है? देखिए मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए है कहना चाहेंगे। आपका गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन, तो उसी में सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उस पर क्या लगता है? देखिए रायबरेली में हम लोग प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, निमंत्रण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया गया है और सम्मानजनक तरीके से उनको निमंत्रण दिया गया है, हमारी पार्टी शामिल होगी। और उत्तर प्रदेश आगामी केंद्र सरकार का निर्धारण उत्तर प्रदेश के द्वारा होगा, समाजवादी पार्टी के द्वारा होगा। तो इस बार 24 में कौन? 24 में इंडिया। तो भारी मतों के साथ आएगी, क्या लगता है आपको? मैं फिर कह रहा हूँ डिसाइड केवल यूपी करेगा, यूपी से डिसीजन होगा कि केंद्र सरकार कौन बनेगी। और पीडीए, जैसे भाई हमारे भाई ने बताया, पीडीए के द्वारा ही निर्णय होना है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जिनका शोषण भाजपा ने किया है राम के नाम पर, और राम भी उनसे भाजपा से नाराज है क्योंकि जितना यूज राम का मिस यूज भाजपा ने किया है उतना राम भी उनको माफ नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी मुझे लगता है राम भक्त हैं वो तो सब बिल्कुल बहुत ही खुश दिख रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी से काफी खुश हैं कि राम मंदिर उनको टेंट से उठाकर अब वहाँ मतलब इतने सुंदर महल में एक तरह से आपको पता टेंट से उठा के किसको बैठाया गया है, नई मूर्ति लाएगी। जो टेंट में रामलला थे उनको टेंट में उनको जो स्थान नहीं दिया गया है, और जो असली राम भक्त हैं वो शंकराचार्यों की बात सुने, पौष माह में कभी भी प्रतिष्ठा नहीं होती है, कोई भी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो एक नियम कानून होते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर, शंकराचार्यों किसी का भी पालन नहीं किया गया है। केवल अपनी बाबाई लूटने के लिए राम को ठगा गया है, भगवान राम इनको माफ़ नहीं करेंगे, भगवान राम का कोप ही भाजपा को इस बार ले डूबेगा। तो ये थे कुछ हमारे साथ लोग जिनसे हमने बातचीत की, और उन्होंने कुछ ऐसे दावे भी किए हैं कि इस बार इंडिया एनडीए पर भारी ज़रूर पड़ेगा, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 80 सीट पार करेगी। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होता है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जैसे इन्होंने दावे किए हैं तो